उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह हुए सेवानिवृत्त। लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत कर दी विदाई। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के अतरौली थाने में तैनात उप निरीक्षक प्रदीप सिंह आज 1 मार्च को सेवानिवृत्त हुए। क्षेत्र के लोगों को जैसे ही इस बात की भनक लगी तभी भारी संख्या में लोग थाने पर पहुंच गए और फूल माला पहनाकर उप निरीक्षक प्रदीप सिंह को सम्मानित किए। लोगों का कहना था कि उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह जब तक क्षेत्र में थे तब तक ईमानदारी से काम किए और पूरे क्षेत्र के लोग इनके कार्य से खुश हैं। उप निरीक्षक प्रदीप सिंह को विदाई देते समय लोगों की आंखों में आंसू आ गए। नम आंखों से स्थानीय लोगों ने उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह को विदाई दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए महादेवपुर निवासी हर्ष अग्रणी ने बताया कि लगभग 2 सालों से उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह अतरौलिया थाने में तैनात थे और जब से इस थाने में आए हैं तब से स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोगों को ऐसे ही पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है। विदाई समारोह के दौरान मुख्य रूप से गुलाब चंद अग्रहरी, दिनेश चंद अग्रहरी, सचिन सिंह, अंगद पांडे, वसीम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। विदाई समारोह के दौरान उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों की आंखों में आंसू आ गए। पुलिसकर्मियों ने भी उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह को नम आंखों से विदाई दी। नमस्कार, मैं हर्ष अग्रहरी महादेवपुर के निवासी हूँ। आप लोग अतरौलिया थाने पर आए हैं क्या पर्पस था? सर, यहाँ प्रदीप सर एसआई प्रदीप सर का रिटायरमेंट पे आज हम लोग सम्मानित करने आए थे। उनके कार्य का हम लोग क्षेत्र में बहुत चर्चा है, इसलिए मैं उनको सम्मानित करने आया था और उनसे आशीर्वाद लेने आया था। जैसे वो अभी तक 2 साल हो गया इस थाने पे उनको रहे जो है, उनकी कार्यशैली क्षेत्र और समाज में कैसी रही? उनकी कार्यशैली की चर्चा चलती है हमारे क्षेत्र में। उनके कार्य के लिए प्रस्तुत हमारे सभी ग्रामवासी हमारे उनसे प्रसन्न हैं। उनके कार्य क्षमता के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, उपस्थित हुए हैं, हम लोग सम्मानित किए उनको। चलिए ठीक है, सर मीठा भी निकलवा। बढ़िया से खिलाओ सर को। अरे हो गया खुला रख दो सचिन रख सिंगम सिंगम राम भाई सिंगम राउंड आओ ना।